नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रगति। और मध्य प्रदेश में 24 के रण में दूसरे चरण के प्रचार के लिए सभी दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार होने वाला है। प्रगति, बिल्कुल। और ऐसे में सागर और हरदा तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे ही, जनसभा को संबोधित करेंगे ही। इसके अलावा राजधानी भोपाल में उनका रोड शो भी होगा। और हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, हर एक सीट को कवर कर रहे हैं। 2:55 का वक्त जब सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है और आदर्श इस मेगा रोड शो को लेकर मेगा तैयारी भी कर ली गई है। बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही शाम को एक भव्य रोड शो होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो, भोपाल बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में पीएम मोदी का ये रोड शो होगा। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में वो चुनावी हुंकार भर रहे हैं और वहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वो सीधा मध्य प्रदेश आएंगे। मध्य प्रदेश में उनके हरदा और सागर में चुनावी जनसभा है और फिर उसके बाद शाम को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रोड शो भी होने वाला है। बिल्कुल। और जानकारी आपको दे दें कि बुंदेलखंड पर तो फोकस दिखाई दे ही रहा है, राजधानी भोपाल भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और 20 दिन में ये उनका 5वां दौरा है। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और एक तरीके से एमपी गढ़ भी माना जा रहा है, क्योंकि 2019 में जहां 29 में से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी और बीजेपी के पास रही, इस बार कोशिश है, मिशन 29 पर फोकस है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में कैसे भी जाए। इसलिए हर एक सीट पर फोकस, बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में बीजेपी इस बार दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। और क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 के 29 सीटों को जीतने के लक्ष्य के इरादे से चुनावी मैदान में पूरी ताल ठोकती नजर आ रही है। खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ्रंट फुट से मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में आकर चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, रोड शो होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मायने क्या हैं, ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए सर, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटें हैं और एससी वर्ग बाहुल्य इलाका बुंदेलखंड में आता है। 26 में से 6 सीटें एससी के लिए आरक्षित भी हैं। बुंदेलखंड में करीब 23% एससी वोटर हैं। बिल्कुल। और आपको जानकारी दे दें, जहां कांग्रेस मजबूत, उन इलाकों में सभा खास तौर पर बीजेपी कर रही है। एससी एसटी सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस है, वोटर्स को साधने की कोशिश। दूसरे चरण की बात करें तो 3 सभाएं और 1 रोड शो, सागर में भी सभा होने जा रही है, इसके अलावा भोपाल में रोड शो। बिल्कुल, 7 अप्रैल जबलपुर का रोड शो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां भव्य रोड शो हमें प्रगति दिखाई दिया था, जिस तरीके से पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 14 अप्रैल पिपरिया में रैली और एक के बाद एक 19 अप्रैल हमने देखा कि दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हुए नजर आए। 24 अप्रैल को अब सागर, हरदा और भोपाल में 3 जगह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट करने वाले। तो कल मुरैना में भी होंगे, यानी ग्वालियर चंबल सेकंड और थर्ड फेज दोनों को टारगेट करने का प्रगति यहां से प्रयास है। बिल्कुल। और समझने वाली बात आदर्श यहां पर यह भी है कि ना सिर्फ एमपी में, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, हर एक सीट पर देश में, क्योंकि देखिए आम चुनाव है और ये आम चुनाव काफी खास हो जाते हैं। अब अगर उनका मुरैना ग्वालियर दौरा रहता है तो फिर यूपी को भी साधने की कोशिश हो जाती है। हाँ। तो लगातार दौरे हम देखने को हमें मिल रहे हैं। 25 अप्रैल की बात करें तो मुरैना में रैली होनी है, तो पीएम के रोड शो का रूट क्या रहेगा ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी। प्रगति, ये अपने दर्शकों को पीएम के रोड शो का पूरा रूट भी बता रहे हैं। ये रोड शो का रूट है जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं से एक होकर गुजरेगा और करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल सिधा जुड़ गए हैं और अतुल के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग मौजूद हैं। अतुल, बात कीजिए और पूछिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है पीएम के इस रोड शो को लेकर राजधानी भोपाल में। देखिए, बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम अलग दिन तक आती जा नजर जा रही है। वहां पर आपको केवल और केवल बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे होंगे। वो तस्वीर आपको ये दिखा रही है कि लंबे जहां तक इसी जगह से आज रोड शो निकलना है और प्रधानमंत्री यहां पे 6 बजे के करीब यहां पे रोड शो करेंगे और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जुड़े हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है, कितने बजे आएंगे? 7 बजे शाम को आएंगे
और भोपाल के लगभग 200 समाज मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। दुल्हन की सजा है, आपने देखा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हमने ये निश्चय लिया है कि रोड शो के बाद हम स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता पूरी रोड की सफाई भी करेंगे। मोदी जी भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उससे पहले हम ये रोड को साफ कर देंगे। स्वच्छता का एक संदेश भी हम दे रहे हैं। न केवल बीजेपी प्रदेश, राजधानी भोपाल की जनता भी उनका इंतजार, पूरे लोग समाज, भोपाल की जनता, 200 समाज स्वयं आके खुद मंच लगा रहे हैं, खुद बैनर लगा रहे हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पधार के स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो रोड शो के अलावा उनका प्रदेश में क्या कार्यक्रम जी, रोड शो के अलावा और क्या कार्यक्रम? देखिए, उनके दो सभाएं भी हैं और पूरे देश में मोदी के पक्ष में माहौल पूरा भगवामय कर दिया। निश्चित रूप से पूरा भगवामय है, मोदीमय है भोपाल। देखिए, भगवामय और मोदीमय है और स्पष्ट तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां तक आपके नजर जा रही होगी, इसी जगह से शाम को 6 बजे रोड शो चालू होगा और क्षेत्रीय बिल्कुल अतुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार रूट प्लान भी जरा समझाइएगा तस्वीरें दिखाते हुए, कितना डिस्टेंस रहेगा जहां जनसभा होने वाली है और जहां पर आप मौजूद हैं, फिर एयरपोर्ट से लेकर कितना डिस्टेंस रहेगा, तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करिएगा। देखिए, बिल्कुल भगवान दास समरानी जी मेरे साथ हैं और यहाँ का पूरा रूट प्लान उन्होंने तैयार किया है। सर, क्या रूट प्लान रहेगा एयरपोर्ट से लेके प्रधानमंत्री जी के जाने तक का, क्या पूरा रूट प्लान है? एयरपोर्ट से तो सीधा VIP रोड से जो हमारा मार्ग है उससे आएंगे, लेकिन यहाँ एयरटेल तिराया यानी राजभवन के कोने से लेकर के और 1 किलोमीटर का रोड शो है जिसमें जनता का अभिवादन करेंगे और जनता उनका भरपूर स्वागत करेगी। क्या सामाजिक मंच, क्या राजनीतिक और क्या बाकी व्यापारिक संगठन, सब लोग मिलकर के, महिलाएं पुरुष सब मिलकर के अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। रोड शो के बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री जी का? जैसे एंड पॉइंट है वहां से वो सीधे एयरपोर्ट होकर के वापस लौट जाएंगे। कितने बजे चालू हो जाएगा रोड शो? 7 बजे की सूचना है, लेकिन वो पहले आ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, हमारे कैमरा पर्सन आशु आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीर में आप देखिए, ये सामने का जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के पूरे झंडे लगे हुए हैं, तमाम दोनों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है, 3 लेयर यहाँ पे सिक्योरिटी की, यहाँ पे सुरक्षा की बात की जा रही है। तमाम यातायात को उस दौरान यहाँ पे रोक दिया जाएगा, कोई भी सार्वजनिक जो वाहन है वो यहाँ से नहीं गुजर पाएगा जब प्रधानमंत्री का रोड शो चालू होगा। 7 बजे का समय बताया जा रहा है कि सीधे भोपाल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे लगभग तकरीबन 1 घंटे का यहाँ पे उनका रोड शो रहेगा। उस रोड शो के दौरान अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग के लोग उनका स्वागत करेंगे। करीब 200 से ज्यादा मंच यहाँ पे बनाए गए हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल कहा था कि राजधानी भोपाल को, वो खास तौर पे जहाँ से रोड शो प्रधानमंत्री का होगा, वहाँ की अगर वहाँ पे पूरा भगवामय कर दिया जाएगा। क्या टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी, लगभग कितने लोग शामिल हो सकते हैं अतुल? केवल भगवा दिखाई दे रहा है पूरा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देखिए, लगातार शामिल होने की बात चल रही है, कई लोग शामिल होने की आज बात है। हालांकि बीजेपी ने अभी इसको स्पष्ट नहीं किया है, पूरी सूचना थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगी, लेकिन अभी हम जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, खास बात यह है कि देखिए 7 बजे के करीब यहाँ पर रोड शो चालू होगा। उस दौरान तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, वो तमाम जो नेता है वो उस समय रोड शो के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, खास बात लेकिन यह है, इसको अगर समझने की कोशिश करें, ना केवल भोपाल के आसपास के सटी हुई जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर सीधा इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जब अपना अभिवादन देके जब रोड शो करेंगे तो खासतौर पर राजा भोज की नगरी में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में है और शीर्ष नेतृत्व आम जनता से जुड़ता है, ये कहीं ना कहीं कोशिश है उनके सीधे तौर पे मैसेज देने की। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं अभी से ही यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम अलग अलग तरह की बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के माध्यम से ये सीधा ये कोशिश की जा रही थी कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऊपर जो बैरिकेड लगाए गए हैं, अब की बार 400 पार और तमाम
अतुल ये तस्वीरें दिखाते रहिए। इससे पहले हमने जब जबलपुर में रोड शो देखा था तो उसमें खास बात ये रही कि चारों ओर उस रोड शो में प्रगति मंत्रोच्चारण गूंजता हुआ नजर आया था, तो इस रोड शो में अलग बनाने के लिए कुछ अलग क्या प्रयोग किया गया क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब भोपाल आ रहे हैं तो बीजेपी के तमाम नेताओं की यही कोशिश है कि इसको अलग किया जाए, अलग तरीके का स्वागत किया जाए। उसके लिए देखिए मध्य प्रदेश आदिवासी वर्ग के लिए भी जाना जाता रहा है और एक बड़ा समाज जो है आदिवासी का संस्कृति का यहाँ से जुड़ा रहता है, तो ये भी जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो तमाम वर्ग ही नहीं आदिवासी संस्कृति और अलग अलग बुंदेलखंड की संस्कृति, साधु संत तमाम जो लोग हैं उनकी ये उनकी मौजूदगी में ये रोड शो होगा और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा तो तमाम अलग अलग वर्ग के लोग तो स्वागत करेंगे, समाज के लोग स्वागत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो कुछ अलग तो देखने को मिलता ही है और इस वजह से वो जो उत्साह है वो जनता के चेहरे पर भी नजर आता है। अतुल ये बताइएगा जिस तरीके से माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक तरीके से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं तो हमने देखा है जनता में भी उत्साह देखने को मिलता है, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय भारत के सबसे लोकप्रिय नेता की अगर गिनती की जाए तो उस पर पहले नंबर पे जो नाम आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास और उनके प्रति प्रेम हमने कई जगह पे देखा भी है, जिनकी जनसभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और तमाम जिस तरीके से वो जनता से कनेक्ट करते हैं, लोगों से जिस तरीके से संवाद उनका रहता है तो लोगों के घरों में लोगों के दिलों में जगह वो अपने आप बना लेते हैं। तो ऐसे में जब उनका रोड शो या जनसभाएँ होती है तो उसका मैसेज भी बेहतरीन जाता है और इसके अलावा जो तमाम लोगों से संवाद करते हैं तो सीधे तौर पर उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश चुनाव के दौर से गुजर रहा है और दूसरे चरण का चुनाव बिल्कुल लगभग करीब आ चुका है। आज शाम को 6 बजे के करीब दूसरे चरण के प्रचार थम जाएगा और ऐसे में उससे पहले प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश के अंदर 2 सभाएं और एक रोड शो, ये इंकित करता है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ पूरी शक्ति के साथ अपने नेतृत्व को मध्य प्रदेश के अंदर जब ला रही है तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि उनके पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो इसी प्रकार से फलीभूत होगा कि जब तमाम जो नेतृत्व हैं वो जनता के बीच में अपनी जगह बना लेंगे, जनता के बीच में पहुंच के अपनी बात को रख देंगे और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से हम देख रहे हैं अति विश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है और जनता से जब बात करते हैं, जब संवाद करते हैं तो इस बात को वो बताना नहीं भूलते हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हो रही है, वोटर्स को साधने की भी कोशिश आदर्श यहां पर की जा रही है, कुल मिलाकर हर प्रयास यहां पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियां पूरी हैं, पूरा भोपाल सजकर तैयार हो चुका है। देखिए हरि नारायण चारी मिश्र वहां पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है और इसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास है इस वक्त हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी जी बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ तैयारियां, कितना फोर्स है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पे जमाई गई हैं? तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और इसमें आपने देखा होगा कि तैयारियों के मद्देनजर छोटी छोटी जो सूक्ष्म तैयारियाँ हैं उस पर किया गया है, खासतौर पर चूँकि कार्यक्रम रात्रि में है तो उसके मद्देनजर जो भी आधुनिक उपकरण हो सकते हैं, जो बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण हो सकते हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत सारे हमारे जवान जो दूसरे जिलों से हैं वो भी आ चुके हैं और साथ ही साथ हमारी अन्य जो सहयोगी टीमें हैं पूरे सुरक्षा के जो सावधानियां होती हैं, तमाम जो उच्चतम मापदंड होते हैं उनके साथ काम कर रही है। महत्वपूर्ण सवाल सर, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर क्या प्लान है, कितने बजे से ट्रैफिक यहाँ का बंद किया जाएगा? ट्रैफिक डाइवर्जन पूर्व से नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, सिर्फ उस समय जब कार्यक्रम आना होगा VVIP का उस दौरान कुछ आंशिक परिवर्तन होंगे जिस एरिया से आसपास के इलाकों में ही होंगे, बाकी अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा ट्रैफिक में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।
तो ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं हो सकता है ट्रैफिक में, लेकिन जब ये कार्यक्रम होगा उस दौरान ये ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बंद रहेगी। थ्री लेन में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था है उसको पुख्ता कर लिया गया है। दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, झंडे यहाँ पे बीजेपी के लगाए गए हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे रास्ते को बना दिया गया है। लेकिन हम ये व्यवस्था दिखा उससे पहले हम वो आपको रथ दिखाना चाहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़कर इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि वो रथ यहाँ पे पहुंच चुका है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना खूबसूरत ये रथ है और किस तरीके से उसको सजाया जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं यही वो गाड़ी है जिसको रथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने इसमें पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव की फोटो लगी हुई है और एक तो दूसरी तरफ लगी हुई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की फोटो और बीच में लगा हुआ है कमल का फूल जिस पर बटन दबाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की सड़कों पर पहुंचकर लोगों से करने वाले हैं। 7:15 से 8:15 के आसपास का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और साफ तौर पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पे खासा इंतजाम किया जाएगा और कहा जा रहा है कि जब शो हो रहा होगा तभी के लिए ट्रैफिक को रोका जाएगा, वरना उससे पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं होगी, ये ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कोई अगर एमरजेंसी फंसती है तो ही ट्रैफिक डाइवर्जन होगा, लेकिन अब जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आने की लगभग पूरी हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।